अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूँ फौजिया तबस्सुम और आज हम आए हैं आपकी फेवरेट सेलिब्रिटी की तरफ। और वो कौन है ये आप हमें बताएं, जो हमेशा आपको कहते हैं प्यारे पाकिस्तानियों। आज हम उनकी तरफ अचानक आए हैं, हम उनकी तरफ जा रहे हैं। आप देखें, हम आज उनको अचानक से पकड़ने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। तो व्यूअर्स, आज हम आ गए हैं, अभी हम बेल देते हैं और देखते हैं वो मौजूद हैं कि नहीं। आज हमारा ये छापा है। बहुत अरसे से मैं उनसे टाइम ले रही थी लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। आज सोचा छापा मारा जाए। अल्लाह करे वो घर में हो। अस्सलाम वालेकुम अक्सी साहब, हैं तैयार हो रहे हैं, कहीं जाने लगे हैं। चले चले, ये तो कंफर्म हो गया कि वो घर में ही है, तैयार हो रहे हैं, हम उन्हें पकड़ते हैं। उनका थोड़ा सा इंतजार करें। काम वाली गई है अंदर। मुझे लगता है कि हमें ना पूरा छापा मारना चाहिए, बजाय इसके कि वो ना करें हम अंदर चलते हैं। छापा मारा तो पूरा मारते हैं, आगे चलते हैं, देखी जाएगी। यहाँ पे थोड़ा स्टॉप करके आवाज़ें सुनते हैं, हमें मना तो नहीं कर देते कहीं, ये तो नहीं कह देते नहीं नहीं मैं घर पे नहीं हूँ, अंदर ही हैं। आवाज़ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, पकड़े गए आज आप। नहीं नहीं, कहीं भी नहीं निकलेंगे आज, बहुत अरसे से आपका वेट कर रही हूँ मैं और आज पकड़े गए आप। पकड़ लिया, छापा मार लिया मैंने। नहीं जनाब, ऐसे ही होता है ना, अब आपको कहीं नहीं जाने दूंगी मैं। पकड़ा गया हूँ लेकिन मैंने तो कहीं निकलना था, अभी तैयार हो ही रहा था, मैं निकलने वाला था। मसरूफ शख्सियत ऐसी होती है। तैयार हो रहा था निकलने के लिए। नहीं नहीं नहीं, आज तो इंटरव्यू लेके जाऊंगी। आप तो हमेशा से पप्पू बच्चे हैं। हाँ, जा रहे अचानक से, जो सबको कहते प्यारे पाकिस्तानियों हैं। और मैं इतनी खुश हो रही हूँ ना, बहुत काबू। आपको वजह भी बताई थी मैंने फ़ोन पे एक बार कि मैं यूट्यूबर्स या जो सोशल मीडिया उस पर इंटरव्यू नहीं देता, सिर्फ इस वजह से कि पहले मैं थोड़ा स्टडी करता हूँ या रिसर्च करता हूँ कि वो क्या प्रमोट कर रहा है चैनल जो मेरा इंटरव्यू लेगा या कोई जो यूट्यूबर लेगा। असल में हम प्रमोट कर रहे हैं मेड इन पाकिस्तान को। और आपको पता है व्यूअर्स, ये वो पर्सनैलिटी हैं जिनका फ्लैग हर वक्त उनके साथ होता है, सोते वक्त भी, और यही बात इनकी सबसे अच्छी लगती है, इसलिए स्टार्ट मैंने इन्हीं से लिया है। मैं आपका इंटरव्यू लिए बगैर नहीं जाने वाली। आज आजा जी, पकड़े तो गए हैं, इंटरव्यू ले। जिधर भी कहें हम तो बैठने को तैयार हैं, हमने तो आपका इंटरव्यू लेना है बस। अच्छा, मेरा अकेले का, फैमिली का तो इसमें नहीं है ना कुछ भी? नहीं, आपका लेना है, फैमिली का बाद में लेंगे। फैमिली का तो मैं पहले कभी आज तक दिया भी नहीं इंटरव्यू फैमिली मेरी ने, क्योंकि मैं जरा, हमारा जो घराना थोड़ा सा वो और तरह का है थोड़ा, तो इस वजह से फैमिली। सर कोई मसला नहीं, हमने आपका इंटरव्यू लेना है, आप तो इंटरव्यू दें। कॉलर माइक? जी जी सर, कॉलर माइक है मेरे पास। जी जी, इसको कॉलर माइक लगाते हैं और स्टार्ट करते हैं हम। कर लूंगा प्लान, वैसे जाना मुझे जल्दी था, लेकिन चलें घंटा डेढ़। जी वेलकम बैक, हमारे माइक लग चुके हैं और थैंक यू सर, आपने अपना जो आपकी मीटिंग थी वो आपने कैंसिल की हमारे लिए। और हम अब आपकी मीटिंग नहीं, मैं किसी खास, चलें कहीं जा रहा था, चलें वो
ये तो मैं आपसे भी पूछती हूँ, आप खास जा कहाँ रहे थे? अच्छा चलें। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पहले आपका थैंक्स करें कि आपने हमें टाइम दिया। बहुत अरसे से मुझे था कि मैं आपका इंटरव्यू करूं। मैंने टाइम नहीं दिया आपने ले लिया, जबरदस्ती ले लिया है, लेकिन बहुत अरसे से था कि आप चैनल के लिए, खास तौर पे आपको पता है मेड इन पाकिस्तान चैनल पे इस वक्त मैं पाकिस्तान को प्रमोट कर रही हूँ, और मुझे था कि मैं जब भी इंटरव्यू करूँ किसी ऐसी पर्सनैलिटी का करूँ कि जो पाकिस्तान को इतना प्रमोट करते हो, और आप उसमें इसलिए भी आ गए हैं कि आपका जो फ्लैग है वो खास तौर पे, मैंने इसके बारे में सुना हुआ कि आप रात को भी फ्लैग लगा के सोते हैं, और मुझे सोने वाले कपड़ों पे भी होता है। हाँ, और मुझे इतनी ये चीज़ पसंद है, और मेरा हमेशा ये था कि जब भी मैं इंटरव्यू करूँगी कोई एक्सक्लूसिव सा करूँगी, और उनका करूँगी जो पाकिस्तान को प्रमोट करते हैं, और पाकिस्तान के लिए उनके दिल की जो चाह है वो बहुत आगे है। तो शुरू करते हैं, बहुत शुक्रिया के बाद अब आप मुझे बताएं कि आप जा कहाँ रहे थे। चलें ये तो बाद में बताऊंगा, लेकिन ये है कि मैं आपसे दरवाज़े पे भी जब आप अंदर आ चुकी थी तो मैंने यही कहा था कि मैं मतलब सोशल मीडिया पे इंटरव्यू देता नहीं हूँ ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है, बहुत सारे लोग ज़िद भी करते हैं कि मतलब इंटरव्यू लेने के लिए यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लोग, लेकिन मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि मैं ना इंटरव्यू दूँ, क्योंकि मुझे एक तो टाइम नहीं मिलता, मैं पहले चाहता हूँ कि जो चैनल मुझे इंटरव्यू कर रहा है तो मुझे पता चले कि ये क्या प्रमोट कर रहा है मुआशरे में, कोई गलत चीज़ प्रमोट तो नहीं कर रहा, क्योंकि आपको पता है कि हमारे मुआशरे में अक्सर देखा जाता है कि यूट्यूबर्स हर कोई माइक उठा के चल पड़ता है, और बाद लोग ऐसे होते हैं जो एक दिन पहले किसी नाचने वाले का इंटरव्यू कर रहे होते हैं, अगले दिन किसी आलम के पास पहुंचे होते हैं, मजहबी पेशवा के पास पहुंचे होते हैं, तो इस वजह से मुझे बड़ा वो ऑड लगता है कि इनका क्राइटेरिया क्या है मतलब। तो दूसरी वजह आपके पास जो आने की है, और वो ख़ास वजह है, वो ये है कि बहुत से लोग, बहुत से आपको जो लाइक करते हैं, जो आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, और वैसे भी लोग जानना चाहते हैं कि असल में आपका पेशा क्या है, ये कौन सा बंदा है, लोग कहते हैं कि जो आया और छा गया, और इतनी जल्दी छा गया, तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपका असल में पेशा क्या है, मतलब इससे पहले क्या करता था, इससे पहले आप क्या करते थे, और अचानक से आने की वजह कैसे आए, और छा कैसे। अच्छा, मुझे जो लगता है ना, मुझे ये लग रहा है कि आप कोई बड़ा ही हाई फाई किस्म का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चाह रही हैं। जी जी, ऐसे ही तो नहीं छापा मारा। तो उसके लिए आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी हमेशा से ख्वाहिश रही है, वैसे टाइम नहीं मिल पाया जो बताने जा रहा हूं आपको वो करने का, कि मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि ये जो एक्सक्लूसिव किस्म का मेरा इंट्रोडक्शन जिसमें हो ना मेरी लाइफ के बारे में, तो मेरा पहला शो जो हो मेरे अपने, जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, जिस पे मुझे सैलरी मिल रही है थोड़ी बहुत, जो भी हलाल रिस्क मिल रहा है मुझे, तो मेरा उस चैनल पे चले, टीवी पाकिस्तान पे ही मतलब। तो उस वजह से अगर मैं कहूँ कि पेंडिंग कर लें तो मेरे चैनल पे पहले जब चल जाएगा तो फिर आप करें तो हमें कितना वेट करना पड़ेगा, मैं तो पहले ही बहुत एक्साइटेड हूँ। पहले भी वेट किया आपने नो डाउट, बस टाइम ना मिलने की वजह से वो अभी चल नहीं पाया, मेरी टीम की भी ख्वाहिश थी, बहुत से लोगों की ख्वाहिश है कि ये आपसे जाना चाहिए। तो हाँ, एक मेरे जहन में वैसे आइडिया आया, मतलब कि अगर आपको ये ऑफर की जाए कि ये जो शो आप करने आई हैं ये अगर हमारे चैनल पर चल जाए कैसा रहेगा? चलें, अगर ऐसा करते हैं तो फिर आपको मेरे साथ एक वादा करना पड़ेगा। वादा, कोई आसान वादा बताइएगा। फिर आप मेरे चैनल के लिए इंटरव्यू देंगे स्पेशल, उसकी मतलब आपको गारंटी चाहिए? गारंटी चाहिए। अच्छा चलें, ये भी आपसे वादा कर लेता हूँ कि गारंटी है कि उसके बाद जल्द आप सबके सामने वादा किया है, क्योंकि मुझे तो आपने बताया था कि आपने नया भी स्टार्ट लिया है, जी जी, तो ये भी वादा आपको करना पड़ेगा कि आप हमेशा अपने चैनल पर अच्छी चीज़ें ही प्रमोट करेंगे उसके बाद भी, मेरा इंटरव्यू करने के बाद भी। सर बिल्कुल, ये हमारा मिशन है। तो अच्छा सर, ये मेरा क्वेश्चन रिपीट मैं करना चाहूँगी कि कैसे एकदम आए और छा गए? बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो आते हैं और जल्दी से छा जाते हैं, आपने तो माशाल्लाह स्पीड लगाई इतनी जल्दी, मतलब कैसे आपने इतना फेम लिया, और क्या इससे पहले करते थे? सबसे मेन चीज़ तो ये जो लोग पूछना चाहते हैं, जो लोग एक्साइटेड हैं ये पूछने के लिए, ये सुनने के लिए एक्साइटेड हैं कि आपका पहले पेशा क्या था, आप करते क्या थे, और कैसे आपने सोचा एकदम से आने के लिए, और क्या एकदम से ही आए हैं, ये ज़रा मुझे हिस्ट्री बताएं। फैसला जो आने का था वो एकदम से था, ये तो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ये कहना कि मैं एकदम से आया और छा गया ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है मैंने फील्ड में, आपको पता मेरे शोज़ पब्लिक में ज़्यादा होते हैं,
तो पब्लिक में जाके शोज करना, और फिर मैं चाहता था मैं थोड़ा ट्रेंड भी चेंज करूं, मैं वो काम अपना कर नहीं पा रहा जो मेरा बेसिक पेशा था, जो बेसिक असल पेशा था मेरा, असल जो मेरा काम था। तो वो अभी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग नाराज़ भी हैं जिनका मैं काम करता था, जो मेरा काम था पेशा था, तो उस वजह से इससे पहले क्या काम करता था वो काम छोड़ा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वो उससे किनारा किया हुआ कह लें कि टाइम नहीं मिल रहा मुझे। तो मैं बेसिकली पेंटिंग आर्टिस्ट हूँ, आर्टिस्ट स्केचिंग पेंटिंग, ठीक है मेरा ये। अक्सी भाई मेरे पास बैठे हैं, वाकई ये पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं, इनको बड़ी ऑफ़र आई है बाहर से कि आप हमारे मुल्क में आए हैं यही काम करें आर्ट का, लेकिन इन्होंने कहा नहीं मेरा प्यारा पाकिस्तान है मैं यहीं पे रह के काम करूंगा। और मैंने जब भी देखा इनके सीने पे पाकिस्तान का ये खूबसूरत परचम बना होता है, बल्कि मैं एक दो बार इन्होंने घर गया जो धोने वाले कपड़े टंगे उन्होंने भी पाकिस्तान का परचम लगा है, मैं क्या है तो ला दो, कहना नहीं। स्केचिंग पेंटिंग, ठीक है मेरा ये है शोभा। तो जो मेरा मेरी लाइफ थी, मेरा ओढ़ना बिछोना था जिससे मैं अपना ज़िंदगी का सर्कल भी चलाता था और सारे मेरे सिस्टम चलते थे लाइफ के, मेरी मतलब जो ज़रूरियातें ज़िंदगी होती थी, और उसको मुझे छोड़ना पड़ा। लेकिन हुआ ये कि मैं आपको बता दूं मुख्तसर कि मैं मरी में एक जगह पे बैठ के, क्योंकि मैं ज़िंदगी ज़्यादा मेरी उधर गुजरी है शुमाली इलाका जात में, आपको अच्छा। पता आर्टिस्ट जो होते हैं वो वैसे भी पहाड़ों से प्यार करते हैं और खूबसूरत इलाकों से, तो मेरा पाकिस्तान तो वैसे हर गली हर कूचा और हर मोहल्ला और ज़मीन का हर ज़र्रा जो है मेरी मिट्टी का मेरे पाकिस्तान का बहुत प्यारा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता था मरी या शुमाली इलाका जात में रहने की। तो मरी में मैं एक जगह पर बैठ के कुछ बना रहा था, पेंटिंग कर रहा था मैं, तो मेरे पास एक फैमिली आई, तो उनके साथ बच्ची थी कोई 6-7 साल की, तो बड़ी थोड़ी उम्र की बच्ची थी, वो मेरे पास आके खड़ी, पहले तो देखती रही, लोग आर्टिस्ट कहीं भी काम कर रहा हो तो लोगों को शौक होता है पास खड़े होकर देखने का, काम करते हुए स्केच बनाते हुए या पेंटिंग बनाते हुए। तो वो बच्ची ने मुझे कहा, कान में कहा कि अंकल आप ये काम अगर इतना अच्छा कर रहे हैं तो आप मुल्क के लिए कुछ करना चाहें तो बहुत बड़ा कर सकते हैं। अच्छा मैंने ना वो बच्ची को पाँव से सर तक देखा, इतनी छोटी सी बच्ची, ये क्या कह दिया इसने मुझे, उसने स्पेशली अपनी माँ से कह के ऑटोग्राफ भी लिया। तो उसके बाद 4-5 दिन ऐसे लगे मुझे कि मेरे दिमाग को एक झटका सा लगा रहा कि यार बच्ची क्या कह गई है मुझे। तो मैं ये सोचना शुरू हो गया कि यार वाकई बात यह है कि मैं इतनी अच्छी पेंटिंग बनाता हूँ, स्केच बनाता हूँ, मतलब इवन यहाँ तक कि जनरल लेवल के लोगों के घरों में भी मेरे फ़न पारे लगे हुए हैं। एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि हाजर सर्विस जनरल साहब थे, उन्होंने मुझे खाने पर बुला लिया, उनके घर मेरा एक फ़न पारा गया किसी वाये से या उन्हें किसी ने गिफ्ट किया, तो उन्होंने पूछा आर्टिस्ट कौन है ये, तो मुझ तक पहुंचे अप्रोच और मुझे वो आर्मी की गाड़ी आ गई लेने। तो वो लेने तो वैसे आजकल तो किसी और तरह से ही आते हैं, ठीक है, लेकिन वो मोहब्बत से लेने आ गए। तो वो मुझे उन्होंने उठ के ना, मतलब जनरल साहब ने उठ के सैल्यूट किया मुझे उनका, और बकायदा ये फिक्रा बोला कि यार देखो लोग हमें सैल्यूट करते हैं, ठीक है, और हम आपको कर रहे हैं, कमाल काम है। ये आपका पैशन है सॉरी, या ये आपने होता है ना कि ये कुछ चीज़ें पैशन में आती हैं, तो जिस तरह आप मुझे बता रहे हैं और जिस मोहब्बत से उस बच्ची ने भी कहा है, तो सबसे पहले तो मुझे ये आपका पैशन लग रहा है, एक मतलब किसी भी काम को इंसान उस वक्त बहुत अच्छा कर सकता है जब वो उसका पैशन हो। पैशन इस वजह से था कि मेरी लाइफ में एक ख्वाहिश थी बहुत बड़ी, मेरी ख्वाहिश थी ज़िंदगी में बचपन से, जब से मैं सोचता था ना पढ़ाई के दौरान भी कि मैं क्या करूँगा बड़ा होकर,
तो मेरी एक सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि यार मैं ज़िंदगी में काम ऐसा कोई करूँ जिसमें मैं किसी को ब्लैकमेल ना कर सकूँ। तो मतलब मैं चाहता था कि मैं ज़िंदगी में वो काम करूँ जो किसी की मजबूरी ना हो, मुझसे वो काम करवाना, मुझसे वो चीज़ ख़रीदना। तो मैं कुछ ऐसा करना चाहता था। तो मुझे जहन में आया कि यार देखो ये फ़न है, पेंटिंग है, आपको तो ज़्यादा अमीर लोगों का शौक़ होता है वो पेंटिंग ख़रीदना और घरों में लगाना। तो लेकिन किसी की मजबूरी नहीं है, किसी गरीब का वो ऐसे नहीं कि देख के तरसेगा कि यार ये मैं ले जाऊं, मतलब उसकी ज़िंदगी नहीं चलेगी उसके बगैर, जिस तरह लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं आज। मुझे ये लगा कि मैं इस फील्ड में ज़्यादा बेहतर काम कर सकता हूं, क्योंकि जब भी मैं ऑब्ज़र्व करता था ना कि क्या हो रहा है हमारे मीडिया पे, तो मैं ये देखता था कि लोग माइक लेके निकले, बड़े बड़े चैनलों के, मैं सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा, जब उस वक्त सोशल मीडिया का दौर नहीं था, ठीक है, तो मैं देखता था बड़े बड़े चैनल जो है ना, न्यूज़ चैनल, उनके एंकर्स ऐसे रोड पे जाते हैं, सवाल करते हैं किसी से, उसके बाद अगले बंदे के पास, ठीक है, तो मतलब किसी ने जो भी कह दिया वो सुन के, मतलब कोई आर्गुमेंट नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था कि यार ये क्या, मतलब किसी ने उठ के कह दिया, मुंह उठा के, कि जरदारी किसी के सर पे हाथ रखे या नवाशी किसी के सर पे हाथ रखे तो उसका कैंसर ठीक हो जाता है, तो वो मतलब इस तरह जस्ट वो चल पड़ते थे कि जैसे हाँ, तो कौम तो यही समझेगी कि इसने सही कहा होगा, ये जो माइक पर आया हुआ था कोई शहरी आम शहरी। तो मुझे गुस्सा आता था, मैं फिर चाहता था कोई ऐसा ट्रेंड मैं दूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह वो ट्रेंड कामयाब भी हुआ उसमें। अब वैसे तो अपने आप को सबसे ज़्यादा दिए हुए ट्रेंड की वजह से ही तो आवाम आपको इतना पसंद करती है। आपका तो बल्कि पेशेंट गोइयों के बारे में भी आवाम को बड़ा क्या, आप पेशेंट गोइयाँ बहुत कमाल की करते हैं। मुझे याद है कि जब इमरान खान को गोली लगी थी तो उसे एक दिन पहले आपने पेशेंट गोई की थी और ट्वीट किया था कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में इमरान खान की जान को खतरा, ये मुझे फिक्र मरवाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो ये पेशन गोई कैसे आपको, मतलब बहुत सी चीज़ें और भी हैं जिस पे आप पेशन गोई करते हैं और मैंने देखा है कि वो सच हो जाती हैं, तो ये पेशन गोई का जो सिलसिला है ये गॉड गिफ्टेड है या कोई इस पे आपने स्टडी किया हुआ है, ये ज़रा बताएं। अच्छा, ये चीज़ जो है ना, ये आज तक मुझे भी समझ नहीं आई, मुझे मतलब मेरी सिक्स सेंस जो है ना, अल्लाह ताला की ये देन है कि ये गॉड गिफ्टेड है मेरे पास। बेसिकली मैं फेस रीडर हूँ, मैं चेहरे पढ़ता हूँ लोगों के, और ज़रूरी नहीं चेहरा मैं सामने बिठा के पढ़ूँ, स्क्रीन पे मुझे मिल जाए, फ़ोटो भी मिल जाए तो उससे भी पढ़ लेता हूँ मैं। अच्छा। तो मतलब मुझे लगा था कि मतलब मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था हर बंदे के चेहरे को ना, मैं गौर से देख रहा था कि ये करने क्या वाले हैं, करना क्या चाहते हैं इमरान खान के साथ। तो मुझे मतलब वो पहली दफ़ा फील हुआ कि आइंदा चंद दिनों में, और वो 24 घंटे के अंदर वो काम हो गया था मेरे ट्वीट के बाद। असल में कुछ ऐसी पेशेंट हुई होती है जो मैं अपने घर वालों को बताता हूँ सिर्फ। अच्छा। वजह यह है कि वो अगर मैं सोशल मीडिया पर करता हूँ, माशरे में बिगाड़ पैदा होने का खतरा होता है। मिसाल के तौर पर कोई मियाँ बीवी हैं, कोई फेमस, उनकी तलाक होनी है, ठीक है, मुझे पता है, मुझे समझ आ गई इनकी तलाक होनी है, तो मैं वो सोशल मीडिया पर नहीं बताता कि अगर बेचारों की नहीं भी होनी तो उन्हें सोचना शुरू कर देना। मेरी एक पेशेंट गोई थी, वो मेरे घर में, आपको गवाही दिलवाता हूँ बाद में, मिलवाता हूँ घर वालों से। तो वो जिस दिन वलीमा था शुएब मलिक का, अच्छा, शुएब मलिक का वलीमा था उस दिन, मतलब शादी हुई थी सानिया मिर्ज़ा के साथ, ये 12-14 साल पुरानी बात आई थी। तो मैं घर में बैठा हुआ था वलीमे वाले दिन, तो मेरे साथ घर वाले बैठे हुए थे, तो न्यूज़ में खबर चल रही थी उनकी ना, वलीमे की, मुझे याद है पीसी होटल में वलीमा था उनका लाहौर, तो वलीमे की खबर चल रही थी, साथ वीडियो चल रही थी उनकी सोफे पे, जिस तरह आम लोग बैठे होते हैं। तो दोनों का मैंने फेस रीड किया एक सेकंड के अंदर, और मैंने घर वालों का, मैंने कहा इनकी तलाक होनी है वलीमे वाले दिन, इसकी गवाही मेरे घर के अंदर मौजूद है, ठीक है। वो मैं सोशल मीडिया पर नहीं डाल सकता था कि अच्छी बात नहीं है किसी की फैमिली को ज़्यादा डिस्कस, अब मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि अब वो काम हो चुका है, ठीक है, अब मेरे वो ना कहने से कोई असर होना है ना कोई उसका साइड इफेक्ट होना है। तो उसकी बहुत बड़ी पेशीन गोई है ये, मतलब आपकी पेशेंट गोई का सुन के ही खास तौर पे ये क्वेश्चन करने का मकसद ही यही था कि मैंने बहुत सुना है आपके बारे में कि आपकी पेशेंट गोई एग्जैक्ट होती है कि बहुत बड़ी पेशेंट। अच्छा, गोई तो बहुत से लोग करते नहीं। अच्छा, एक और मैं आपको एक बात बताऊं, आपको पता है कि इमरान खान के बारे में अक्सर लोगों ने, अक्सर पामिस्टों ने, नजूमियों ने कई कई साल पहले कहा हुआ था कि इसके हाथ में तो जी लकीर ही नहीं है कुर्सी की, इकतदार की। तकरीबन सारे पामिस्ट, सारे नजूमी जो है ना, वो कह चुके थे कि ये जी कभी हुक्मरान नहीं बन सकता, इसके हाथ में हुक्मरानी की लकीर ही नहीं है। लेकिन आपने गौर किया कि जब वो 2018 का इलेक्शन करीब आया, हवा चल रही थी इसकी इलेक्शन से पहले ना, इमरान खान की बहुत हवा चल रही थी, उन्हीं पामे सारे जो कह चुके थे सारी ज़िंदगी में कि वो कभी नहीं बन सकता, वही कहना शुरू हो गए कि बन जाएगा। ये क्या पेशीन गई हुई, मतलब मैं समझ नहीं, आपने पहले कहा हुआ कि नहीं बन सकता, आप कह रहे हैं ये, इसका मतलब यह कि आपने इन्वायरमेंट देख के, हालात देख के ये बताया। जब मुशर्रफ आया था इस मुल्क पे, काबिज हुआ था, इकतदार पे कब्जा किया था, मैं उस वक्त, मेरे पास गवाहियाँ मौजूद हैं जिन लोगों को मैंने कहा था कि एक दिन इमरान खान आएगा
और पूरी पाकिस्तान की सियासत को हिला के रख देगा, ठीक है। और ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, इमरान खान से भी पहले मैंने कहा था कि ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, इमरान खान ने बाद में कहा था। तो वो मेरे गवाहियाँ मौजूद हैं, मेरे घर में मौजूद हैं, मेरे कज़नों में, मेरे दोस्तों में। तो मैं पेशींदगी इसको मानता हूँ कि आप कई साल पहले बता दें, जो जो कोई माने ना जो कोई तस्लीम करने को तैयार ना हो कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। मैं इमरान खान के बारे में कहा तो मेरे घर में मेरी माँ ने कहा जा मुँह तो हो गया, उन्हें कितों वो कितों आ गया सियासत, उन्हें कौन जानता है, ठीक है। तो मैं इसको समझता हूँ जी, आपके जो फॉलोअर्स हैं, आपके जो मैं कहती हूँ मद्दा हैं, वो मानते हैं इस बात को कि आपकी पेशेंट गोई हैं। सर मैंने अक्सर आपके इंटरव्यूज़ में आपको सच बोलते हुए धड़ल्ले से, और इसे आपको डर नहीं लगता? अल्लाह से लगता है, लेकिन अल्लाह से। इसी वजह से तो आपके जो फॉलोअर्स हैं वो आपको बहुत पसंद करते हैं कि आप धड़ल्ले से सच का सामना भी करते हैं और सच बोलते भी हैं। तो सर आपकी कभी कोई पेशेंट गोई गलत भी साबित हुई? अच्छा, पेशेंट भी बाज़ ऐसी होती है मेरी, जिसके लिए मेरी ख्वाहिश होती है कि गलत साबित हो, अल्लाह करे ऐसा ना हो। मेरी मतलब मैं बाज़ पेशेंट गोइयों के साथ लिख भी देता हूँ कि अल्लाह करे मेरी ये पेशेंट गोई गलत साबित हो जाए। हाँ, एक मेरी पेशेंट गोई अभी तक जो है ना वो गलत साबित हुई है। वो मतलब मैं अब बता ही देता हूँ, बताने वाली बात तो नहीं है, अमीर बाज़ लोग जो है ना मेरे पर गुस्सा करेंगे। लाजमी बताएं कि जब ये इमरान खान पर अदम एतमाद की तहरीक चल रही थी ना, उसकी तैयारी हो रही थी, तो मैंने ये पेशेंट गोई की थी कि ये कामयाब नहीं होगी। और उसकी वजह यह थी कि मुझे नहीं लगता था कि पाकिस्तान में बैठे अमेरिका के पिट्ठू जो हैं वो मुल्क के साथ इस कदर भी जो है ना गद्दारी कर सकते हैं, इस कदर भी दुश्मनी कर सकते हैं कि किसी सुपर पावर के किसी गैर मुल्की एजेंडे पे चल के तो किसी हुक्मरान को गिरा सकते हैं। हालांकि आपको पता है कि महंगाई के हिसाब से भी, बाकी चीज़ों के हिसाब से मुल्क नॉर्मल जा रहा था। कोरोना की वबा थी, पूरी दुनिया की हिस्ट्री की जो सदी की वबा थी, उसमें भी हैंडल किया इमरान खान ने। तो मुझे सिर्फ वो जो पेशेंट गई मेरी गलत साबित हुई, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं यकीन था कि इस हद तक आगे चले जाएंगे इस बंदे को गिराने के लिए, इमरान खान को, के जो बैरूनी एजेंडा उसके ऊपर। आपकी पूरी लाइफ की ये एक ही पेशेंट को ये जो गलत साबित हुई, बाकी सब ठीक साबित हुई है। और उसका मुझे अफसोस है कि गलत साबित हुई। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, मैंने पहले भी पूछी है, आप बता नहीं रहे कि आप जा कहाँ रहे हैं। बेफिक्र हैं, मैं भाभी को नहीं बताऊंगी, लेकिन बताएं तो सही, इतने प्यारे बन के, इतने नहीं बताती मैं भाभी को। अच्छा, आप बताएं मुझे। मैं आपको एक बात बताऊं, सच बताऊं जी व्यूअर्स, अक्सी साहब आखिर कहाँ और किसके पास जाने के लिए तैयार थे, ये सरप्राइज और राज खुलेगा इसी शो के पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा।